चलो रे। गुड मॉर्निंग सर। क्या सर, आप ये सब क्या करते रहते हैं? कल को आप यहाँ के एमएलए बनने वाले हैं और ये सब? मुझे कोई नहीं मार सकता, बताइए पंडित जी। सब शास्त्रों का खेल है, इनकी कुंडली में लिखा है इन्हें कोई नहीं मार सकता। भैया वो मेजर मिल गया। हेलो मेजर। थैंक यू विक्रमजीत बिष्ट। जानता हूं और ये भी जानता हूं कि आज तुम यहां किस लिए आए हो। आप तो अंतर्यामी निकले, और क्या क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? अंग्रेजों के जमाने में तुम्हारे पूर्वज धमली के बाहुबली हुआ करते थे और इसलिए आज तुम राजनीति के जरिए धमली पे दोबारा राज करना चाहते हो। धमली का शंघाई बनाने के बहाने एमएलए का चुनाव लड़ रहे हो। सुपर के नाम से करीबन 1000 टैक्सियां चल रही है तुम्हारी। अभी तो आधी गाड़ियां बिना लाइसेंस के चलाते हो। अगर एमएलए बन जाओगे तो शायद सारी गाड़ियां बिना रूल्स फॉलो किए चलाओगे। कोई बस से सफर करना चाहे तो बस से चला देते हो। जो अफसर बिकने को तैयार है उसे खरीद लेते हो और जो ना बिके उसका ट्रांसफर करवा देते हो। नहीं, कई बार ट्रांसफर नहीं भी करवा पाता हूं। है तो उन्हें अपने रास्ते से हटा देते हो। सब लोग तुम्हारे सुपर में सफर करे इसके लिए 3 महीने पहले तुमने एक बस में आग लगवाई जिसमें 40 लोग जलाए गए।
40 लोगों के मर्डर्स के सबूत हैं मेरे पास, वही लेने के लिए आए हो ना? सही है, तो सबूत दे दीजिए और किस्सा खत्म। ऐसे कैसे खत्म कर दूं? कैसे? उस दिन सिर्फ 40 लोग नहीं जल गए, उन सबके परिवार भी जल गए। मेरी एक ही बेटी थी, जॉब मिलने की खुशी में वो घर लौट रही थी, घर पहुंच नहीं पाई। लाशों की भीड़ में अपनी बेटी को ढूंढना कैसा लगता होगा जानते हो? दुख हुआ होगा ना? मैं समझ सकता हूं, आपकी बातें मेरे दिल को छू गईं। टीपू जी। भैया देखो, मेजर साहब को कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस इनसे सारे सबूत ले लो और इन्हें छोड़ दो। जंग में एक बैग होने के बाद भी दुश्मन से डट कर मुकाबला किया था, आज भी वही करूंगा मैं। लेकिन जब तक जिंदा हूं तुम्हारा एमएलए बनने का सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा विक्रमजीत। किसी के सपने के बारे में इस तरह से बात नहीं करते मेजर, पाप लगता है। अरे पाप तो तुझे लगेगा, एमएलए बनने की बात तो दूर रही, तू अपने हाथ मरकर। चलिए ठीक है, तो मैं अपने आप को ही गोली मार लेता हूं। टीपू, मैं अगर खुद को गोली मार लो तो क्या करप्शन खत्म हो जाएगी? नहीं भैया। गरीबी मिट जाएगी? नहीं भैया। इस बुड्ढे की बेटी वापस आ जाएगी? अरे नहीं भैया। अबे तो क्या मैं एमएलए बन पाऊंगा? नहीं भैया। और अगर ये बुड्ढा मर गया तो? तब तो जरूर बनेंगे भैया एमएलए। जो मुझसे जीतने की कोशिश करता है वो अपनी जिंदगी हार जाता है।
मॉर्निंग, मेक श्योर के हर घंटे आप मुझे इनकी सारी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। जी डॉक्टर। अभी का डोज ये है, नेक्स्ट ये डॉक्टर, और इसके बाद इन्हें होश कब आएगा? शायद अभी या फिर कभी भी नहीं, लेकिन आपके बार बार पूछने से हमारा जवाब नहीं बदलेगा। बेटा, तुम इस पेशेंट के लिए इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? जब तक इनकी सांस चलेगी, बस तब तक मेरी जिंदगी। भाग आदि भाग। दो बॉल, 10 रन, जीत के दिखा? जीत तो मैं तभी गया था जब मैंने सोच लिया था। जाना बॉल डाल, बॉल डाल। बॉलर भी अपना है और जीत भी अपनी। जी भाई साहब। लगा दे सारे पैसे। जी भाई साहब। देखना होगा क्या आदि आज ये कारनामा कर पाते हैं। सबकी निगाहें केवल आदि पर। आदि कुछ सोचते हुए आदित्य सिंह स्ट्राइक पर बिलाल अफरोज बॉलिंग करते हुए और ये खूबसूरत कवर ड्राइव। पता है छक्का क्यों मारा? क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि छक्का लास्ट बॉल में ज्यादा अच्छा लगता है। भाई साहब, अबे आईपीएल का सबसे खूंखार बॉलर है ये, कोहली भी रिस्पेक्ट करता है इसकी। बस ये लौंडा ही रिस्पेक्ट करता, ना दिख रहा है किसी के। भाई, इसने फिर से यॉर्कर की फील्ड लगाई है। अच्छा, लव कर रहा है, बाउंसर डाल। पैसे, क्या छक्का मारा यार, उनकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने तुझे 10,000 रुपए दिए मैच हारने के लिए, और तू साला अपनी याददाश्त से जीत गया। आपने पैसे ऑफर किए तो मैंने भी सोचा कि अगर हम लोग हार गए तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए मैं बिक गया। और जो भाई साहब की बेइज्जती हुई वो तो भाई भाई समझ के माफ कर लो भाई साहब। तो यहाँ आकर चाट कर मेरे जूते साफ कर, क्यों भाइयों? शायद माफ कर दो। ये लो, मार लो। देखो, मैंने आपकी बेइज्जती की, आप मेरी कर लो, फेर है ना? ठीक है ना? हाँ, क्या बोलती है पब्लिक? ठीक है ना? फेर इज फेर है ना भाई साहब? ₹100 ना आयोडेक्स के लिए, रात को हाथ दर्द करेगा।
ओमी, आदि आदि चल उठ उठ। अरे 12 बज गए हैं, तेरे भाई ने बुलाया, तैयार हो जा, चल उठ। बाद में होगा चाचू, 12 बजे कौन उठता है, क्या अभी। अरे नक्कारे निकम्मे आदमी भी उठ जाते हैं 12 बजे, एक तुम हो जिससे करियर की कोई चिंता नहीं। सुनो इसके कपड़े निकालो तो। 2 सेकंड से लेट हो गया, अभी सारे कपड़े उसके मैंने पानी में डुबा दिए। तुम्हें भी क्या जल्दी है, अब गीले हो गए, अब जब तक सूखेंगे स्त्रियों के आएंगे एक हफ्ता तो लग ही जाएगा ना। चल तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही ऐसे। हाँ तू समझता क्यों नहीं है, रमन ने कहा है बहुत जरूरी बात है। चाचा जी मैंने अपने दोनों बहनों को प्रॉमिस किया है, हाँ बिना उनका चेहरा देखे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो एक बार स्कूल से आ जाए ना फिर देखते हैं। अच्छा सीता चीता। जी पापा। अरे स्कूल नहीं गए तुम लोग, करियर की कोई चिंता नहीं है। आज संडे है आदि भैया उठो। संडे आज? हाँ और कोई बहाना आ रहा है? बना रहा हूँ मैं। 10,000 रुपए दे दो। 10,000? नहीं नहीं मेरे पास 10,000 नहीं है, फेयर प्राइस है। अरे मेरे पास होते तो मैं दे देता ना। सुनिए ना ये 10,000 आपने रखे थे ना अलमारी में संभाल के, तुमने क्यों निकाले? दे दीजिए, प्राइस डबल हो गए तो कहाँ से लाएंगे। आज पूरे 1 साल 3 महीने के बाद घर जा रहा हूँ। माँ बाप के बाद मेरे भाई ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। मेरी जान है मेरा भाई, मंडे टू फ्राइडे मेरा बाप बन के रहता था, सैटरडे को मेरा यार और संडे को मेरी माँ बन जाता था। दादू से रिकवरी के लिए 4 लीटर पानी भी पिलाता, बड़ी इमोशनल फेलो। फिर अमावस की एक काली रात को मेरे भाई पे एक रूहानी ताकत का साया पड़ गया। मेरे भाई की बीवी अवनि देवी इस दुनिया की सबसे हसीन विलेन, मैंने आज तक किसी का ऐसा औरा नहीं देखा गुरु। वो आते ही मेरे भाई को खा गई। आदमी शादी के बाद बदल जाता है। अरे ठीक कहते हैं, मेरा भाई तो अगले दिन ही बदल गया। अरे या तो होगा। मैडम ने मुझे पेनी पेनी के लिए मोहताज कर दिया। पॉकेट मनी घटते ही मेरे भाई से मेरी दोस्ती टूट गई यार। मैडम वॉज टेकिंग ओवर और मेरी फटी पड़ी थी कि मुझसे बेटर थी यार। बैटमैन और सुपरमैन की वुमेन का पता नहीं बट थंडर वुमेन मेरे घर आ चुकी थी। क्या हुआ आदि? कुछ नहीं, मैंने भी घर छोड़ने का फैसला कर दिया और धमकी दे दी चाचा के घर जा रहा हूं मैं। मैं जानता था भाई जान दे देगा पर मुझे घर से नहीं जाने देगा। ट्रेन से जाना, फ्लाइट्स महंगी हो गई हैं। लेकिन आज जरूरत पड़ी ना भाई की, देखना मुझे देखते ही पागल की तरह भागता हुआ आएगा भाई। भैया आ गए, बहुत टाइम लगा दिया तुमने।
चाची कह रही थी सुबह से निकले हो तुम। कैसे हो आदि? मैं खाना लगाती हूँ। मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। वाह, टू द पॉइंट। बुरा ना मानो तो पहले फ्रेश हो लूं मैं। अरे तू चलेगा आपको? ए ए ए सुन, मेरी बात सुन। मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि भूख लगी है मुझे। अरे मेरी बात तो खाना खा लो पहले। ए थक गया होगा, जा सो जा, बात कल कर लेंगे। हेलो, क्या कल कर लेंगे? जो बोलना है आज बताओ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ए अरे जिद मत कर, तू थक गया, जा सो जा। अभी का अभी, नाउ मींस नाउ। तेरी भाभी का ट्रांसफर हो गया। हाँ, अवनी का ट्रांसफर हो गया। मैडम गई, राम लखन वार्डन गई। फ्राइडे को फिल्में देखेंगे, फिल्में। सैटरडे को दारू, संडे को रे 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 रे। अरे मेरी बात तो सुन ले। बोलो ना भाई, आज जो भी बोलोगे डन है। डन मतलब डन डन डन। तो सुन, सुनाओ। तू और तेरी, मैं और मेरी, तुम, मैं अपनी भाभी के साथ 2 महीने के लिए धाम नहीं जाते। अदी, तू ठीक तो है ना? आप भाई हो या दुर्घटना? दुर्घटना ना हो तभी तुझे भेज रहा हूँ भाभी के साथ, और तेरे कॉलेज के दोस्त भी होंगे। मैं नहीं जा रहा हूँ, और पहले ही बोल रहा हूँ, मैं मैडम का नौकर वोकर नहीं हूँ मैं। अगर मुझे बैंगलोर ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना होता ना, तो मैं खुद जाता। नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। ठीक है, बचपन से आज तक मैंने तेरी हर एक बात मानी है, हर एक इच्छा पूरी की है। आज जिंदगी में पहली बार मुझे तेरी जरूरत है। तो वाह छोटे, बहुत बड़ा हो गया यार तू। वाह भाई, मान गया। व्हाट अ माइंड जॉब। 2 साल में इनवाने के साथ में इमोशनल ब्लैकमेल भी सीख लिया आपने। क्या चॉइस है मेरे पास? जा रहा हूं मैं, अब भी चले जाता हूं ना। जाऊं जाऊं मैं, जा रहा हूं मैं। $10,000 लगेंगे आपको। नहीं नोट चाहिए मुझे, प्लीज। आइए। आदि, आदि मेरे भाई।